तुमचे सगुण शरीर प्रकाशमय हवे पण तुमचे हृदय दोषपूर्ण असेल तर तुमचे सगुण शरीर अंधाराने भरून जाईल. म्हणून तुमच्यातील प्रकाशात जर अंधार असला तर तो अंधार केव्हा म्हणावा. हालेलुया. यहाँ पर लिखा है शरीर का दिया आंख है. इधर शरीर ऐसा दिखा ये जो पूरा शरीर जो दिखता है ये जो पूरा शरीर दिखता वो दिखता है लेकिन कैसे दिखता है इन दो आंखों से. ये दिखता देखो शायद दिखता डोले चल ये दो आंखें बड़े पूरे इस पूरे शरीर को क्या कराता है सब कुछ दिखाता है. ये दोनों डोले पूर्ण ताक होता तो दिखना यानी जो प्रकाश जिसे कहते वो हमारा प्रभु यीशु है. प्रकाश जरा मंत्र का अपना परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर हमारा हमारे जीवन का प्रकाश है. अपना जो अपने जीवन से प्रकाश पृथ्वी का प्रकाश है या पृथ्वी सा प्रकाश तो हमारे आंख जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अपने डोरे जो है फार महत्व से लेकिन इस संसार में बहुतायत लोगों को आंखों का प्रॉब्लम है. पर यह जगह मे खूब सारे लोगों ने डोले से प्रॉब्लम है. आपको भी होगा शायद किसी किसी को तुम्हारे कोणा कोणाला असेल किसी को कम दिखता होगा कोणाला कमी दिसत असेल किसी को मोती बिंदु होगा कोणाला मोती बिंदु असेल या किसी के नंबर बढ़ गए होंगे किंवा कोणाचे नंबर वाढले असते. तो आप मसीह होकर हम अगर देख नहीं पा रहे जर आपण बघू नाही शकत यहाँ क्या लिखा है वो अंधकार कैसा बड़ा हो गया. यानी कितना परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई देवों ने जी सृष्टि बनाई इसमें हम चले फिरे और चलने और फिरने के लिए प्रभु ने हमको आंखें दी ताकि इन आंखों से हम देखकर फिर हमारा ये जो पैर है वहां पर चलेगा. देवों ने हमें डोरे दी थी अपन सालों में फिरा गया सटे. अभी मैं आप बोलोगी आंख से थोड़ी चलते फिरते हैं तुम्हारे डोरे ने थोड़ी चलते फिरते आंख नहीं रहा तो भी अंधे लोग चल रहे हैं ना. डोरे ने त्रिपन आदमी लोग वो अंधे में चल रहे हैं अंधकार चलता है. उनको कुछ ज्ञान नहीं है चलना कहीं ज्ञान नहीं वो एक निशाना यानी एक सोच रखते कि हाँ आता मैं असा जाईन असा जाईन मग आता मला इथं हे आलेलं आहे हे घ्या आता इथं वळल्यानंतर असं असं वळल्यानंतर आता इथे दरवाजा आहे आता इथे दरवाजा आहे तर मग हा इथे इथे मग इथकडे आपण समजा समजलं वो एक असा अंदाज लेते ते का अंदाज लावतात रे हम मसीह है आपण ख्रिस्ती आहोत. प्रभू की इच्छा नाही की हम लोग ऐसे अंधे हो. देवाची इच्छा नाही की आपण असे अंधे असा. हमारी आंखों पर पडदा हो आपल्या डोळ्यांमध्ये पडदा असा. बिलकुल प्रभू को अच्छा नहीं है. देवाला बिलकुल आवडत नाही. बाइबल में लिखा है बाइबल मध्ये लिखा है जिस शौल ने मसीह लोगों को छला ज्या शौलाने ख्रिस्ती लोगों को छळ केला. हाँ निकाल गया हम पहले तो की काम अध्याय आठ क्रिश्चियन से कृत्य अध्याय आठ जब वो मसीह लोगों को छल रहा था जब तो ख्रिस्ती लोगों ने छल होता है यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हो गए. यीशु मसीह तेजावर प्रकट हो गए. यीशु ने उसे कहा हे शौल हे शौल तू मुझे क्यों छलता है. यीशु तला मनाला कि हे शौल हे शौल तू मुझे छल का करते हो. उसने पूछा आप कौन हो तो मनाला तुम्हें कौन हो. उसने कहा मैं प्रभु यीशु तो मनाला मैं प्रभु यीशु यीशु नासरी हूँ. यीशु नासरी जिसे तू छलता है जरा तू छल दो. अगर देखा गया ना पकड़ा था ना तो उसने यीशु को नहीं छलाता लोगों को छलाता. यानी यीशु का छलन होता लोगों ने छल पर लोगों के अंदर जो मसीह लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर कौन होता है प्रभु यीशु होता है. जी ख्रिस्ती लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं त्यांच्या मध्ये यीशु असतो. इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मसीह लोगों के साथ तुम जो करते हो मेरे साथ करते हो. प्रभु यीशु म्हणाला ख्रिस्ती लोकांबरोबर तुम्ही जे काही करता ते माझ्या बरोबर. अगर तुम उनको छला है यानी मुझे छला है तुम्ही त्यांना छळले म्हणजे मला छळले. तुमने मसीह लोगों को पानी दिया है यानी मुझे पानी दिया. मैं ख्रिस्ती लोकांना पानी दिया म्हणजे मला पानी दिया. आपको समझा इसीलिए उसने शौल से ऐसा कहा. म्हणून त्यांनी शौलाने असं म्हणाला. लेकिन जब प्रभु यीशु के साथ उसका वार्तालाप हो गया तो प्रभु यीशु और त्याचा वार्तालाप जसा झाला तो क्या हो गया काय झालं अंधा हो गया तो अंधळा झाला. तो देख नहीं पा रहा था तो बघू शकत नव्हता. जसे मनुष्य के सहारे वो अपने घर तो आ गया कोणत्या माणसाच्या आश्रयाने तो घरी तर आला. तीन दिन तक क्या हुआ उसने उपवास और प्रार्थना की. तीन दिवस त्याने उपवास आणि प्रार्थना केली. ना कुछ खाया ना काही खाल्लं ना कुछ पिया ना काही पिलं. तीन दिन वो क्या कर रहा था प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु के पास कि प्रभु यीशु हनन्या नामक एक राजक को हनन्या नाम के प्रभु के दास आपके दास को मेरे पास भेज दे. तो प्रार्थना करते कि हनन्या नामक तुमच्या दासाला माझ्याकडे पाठव. ऐसे तीन दिन तक उपवास करते हुए उसने क्या किया प्रभु यीशु से प्रार्थना किया. तीन दिवस त्याने उपवास करून देवाकडे प्रार्थना केली. यीशु मसीह ने क्या किया तीसरे दिन हो गया उसके बाद उसको बोला आणि यीशु मसीह तीन दिवस झाल्याच्या नंतर त्याला म्हणाला हनन्या को हनन्या जा अनन्या जा शौल के ऊपर प्रार्थना कर. शौलावरती प्रार्थना कर. शौल भी बोला अनन्या बोला वो तो मसीह को मारने वाला है. तो ख्रिस्ती लोकांना मारणार. मैं गया तो मुझे भी मारेगा. मी गेलो तो मला भी मारेल. आपको मालूम नहीं क्या तुम्हाला माहित नाही काय इसे मी नहीं जाऊंगा म्हणून मी नाही जाणार. लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि तू जा. पण देव त्याला म्हणाला तू जा. वो बदल गया. आता तो बदललेला आहे. इसलिए जैसे हनन्या उसके पास आया तसा हनन्या त्याच्या जवळ आला. बड़े खुश वचन को पाचव्या वचनाला
17 and 18. मग पेत्र व यहोवाने आपले हात ते विश्वासाने नाही नऊ नऊ अध्याय नऊ सॉरी पेरितो के काम अध्याय नऊ और उसका 17 और 18. तेव्हा हनन्या त्याला सांगितलेल्या घरी गेला. हा हनन्या को जैसे बताया गया था उस घर पे वो गया आणि आज गेल्यावर आपले हात शौलावर ठेवून तो अंदर जाकर उसने शौल के ऊपर क्या किया अपना हाथ रख दिया. तो म्हणाला उसने कहा शौल भाऊ तू वाटेने येत असताना तू रस्ते से आते समय ज्या प्रभू येशू ने तुला दर्शन दिले जिस प्रभू येशू ने तुझे दर्शन दिया तुझे तुझ पर अपने आप को प्रकट किया त्याने मला यासाठी पाठवले आहे उसने मुझे इसलिए भेजा है कि तुला अपनी दृष्टि परत यावे तुझे अपनी दृष्टि तुझे अपनी आंखें वापस मिल जाए तू स्पष्ट रीति से देखने पाए वो तो पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण वावे और पवित्र आत्मा से क्या हो जाए तू भर जाए. तक्षणी त्याच्या डोळ्यांवर उसी घड़ी उसके आंख से खपल्यांसारखे काही गळून पडले उच्छिलके उसके आंख से निकल पड़ा और शौलाला पुन्हा दिसू लागले और शौल को स्पष्ट रीति से देखने लगा. हालेलुया. तो वही परमेश्वर आज भी है तो उसके वास ही है हमारे बीच में अपने मध्य. तो हम क्या करेंगे अपन काय करें जिनको भी आईज का प्रॉब्लम है आंखों का प्रॉब्लम जनरल डोळ्यांचा त्रास आहे इसमें हमने हार्ट के लिए प्रॉब्लम प्रार्थना की थी मध्ये आपण हार्ट साठी प्रार्थना केली आपण का हार्ट अच्छा आहे तुझं सगळ्यांचं हृदय चांगलं आहे माझे हृदय दुखते आईने प्रार्थना झालेली आहे प्रार्थना होई आहे तुमच्या हृदयाला कोणताही विकार नाही आपले हृदय कोणता भी विकार नाही कोणताच आजार नाही कोणता भी कोणती भी बीमारी नाही युअर फॉर हार्ट तुम्ही तुमच्या हृदयासाठी एकदम परफेक्ट आहात आपके हृदय के लिए बहुत अच्छे. आता अपन आज प्रार्थना करणार आहोत आज आपण प्रार्थना करने वाले हैं डोळ्यांसाठी आंखों के लिए हर रविवार एक एक अवयवांसाठी प्रार्थना केली जाए हर रविवार को हर एक अवयव के लिए प्रार्थना किया जाए. आज अपन प्रार्थना करणार आहोत डोळ्यांसाठी आज आपण प्रार्थना करने वाले हैं आंखों के लिए तो जिन्ही आपण सर्वात अगोदर प्रार्थना करणार आहोत ज्यांना मोठी बिंदू आहे सबसे पहले हम प्रार्थना करने वाले हैं जिनको मोठी बिंदू आहे कोणाला मोठी ते बिंदू आहे का तुमच्या तिथे यहाँ पर किसी को मोठी बिंदू आहे क्या यहाँ किसको है दंगी मौत क्यों लगा जनता डोले ना मोती बिंदु आ है ठीक है सब सोच के उठते आप लोगों को मालूम नहीं है क्या मैंने क्या बोला था जब बोला था तभी छूट जाने का मोती बिंदु उनको है हमको मालूम है एक उठने के बाद दूसरे का इंतजार नहीं करेगा अरे कौन उठते करना है कसो वाट टाइम बताइए अभी कितने जनों ने उपवास किया मैंने पूछा कितने लोगों ने उपवास के लिए विचार था तो अभी खड़े हो जाओ जिन्होंने उपवास किया है जब ने उपवास करे तो फिर रहते अभी भाई हरिवंश को पांच जन घेर के खड़े रहो आप तीन और तीन चार पांच सुनील राजकुमार भाई और आप तीन यहाँ हरिवंश को भाई के चारों बाजू में घेरा ले लो राउंड करके बाकी के पांच जन एक दो तीन चार पांच जन और छह सात ज्यादा हो गए आप और अच्छा वो घेर के ले लो उनको अंदर ले लो सरिता जानकी मौसी के पास आ जा वासंती ताई उपवास है ना आणि रजनी उपवास आहे उपवास नाही जे जे लोक आजारी कोण आहे त्याच्यात कोण लोक हात उपवतो ना कन्फ्युज हो गे उपवास ठीक आहे तिथं त्यांना पाच जण घेऊन उभं राहावं तुमच्यावर उपर उठाना आहे त्यांच्या हात आपले उंच करायचे प्रार्थना करेंगे सब लोग आपको प्रबंध करेंगे सब जन बंद करो जोशुआ अचय के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करना इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर जैसे यहाँ हमने क्या पढ़ा था जैसे हनन्या ने हाथ रखा उसके आंखों से छिलके गिरे तो एक जन आप में जो पांच जन में का एक व्यक्ति उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है प्रभु यीशु के नाम से जो भी तुम्हारा मोती बिंदु है यीशु के नाम से निकल जा सारा पड़ना जो आंखों के ऊपर आया है प्रभु यीशु ने हटा दिया है वो फट गया है अब कोई अधिकार नहीं ऐसा बोलना ठीक है मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी वही प्रार्थना करते हैं ठीक है प्रार्थना करें हम सब लोग आंखों को बंद करें इस बच्चे को उठा
करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु आप चिन्ह चमत्कार कल भी करते थे, आज भी करते हो, निरंतर करते रहेंगे। आपके बच्चे प्रभु ये प्रकाश में रहे, ये आपकी आपकी इच्छा है, इसलिए तो आपने कहा तुझमें प्रकाश हो। प्रभु यीशु के नाम से सारा अंधकार आपने मिटा डाला और हर एक के ऊपर आपने प्रकाश दिया। तो मैं प्रभु यीशु के नाम से यहाँ जितने लोग खड़े हैं जिन्हें उपवास किए हुए व्यक्ति आपके व्यक्ति आपके लोगों ने उन्हें घेर रखा है, यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर मोती बिंदु के जो बंधन आए हैं वो हम तोड़ देते हैं और उनके आंखों पर आया हुआ पर्दा को हम निकाल देते हैं। उनके आंखों के ऊपर आया हुआ छिलका प्रभु यीशु के नाम से निकाल कर अभी इसी घड़ी हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से देखने लगे। जिस यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया है वो प्रभु यीशु के नाम से तुम सब देखने लगो। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी तुम देखने लगो। अभी इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ओ बाबा का नाम सदा बाबा का नाम से अभी इसी घड़ी प्रभु अब्बा आपने उन अंधे के ऊपर हाथ रखा और तुम्हें कहा देखने लगा वो अंधा उसी घड़ी देखने लगा। तो मैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता ये सब अभी इसी घड़ी देखने लगे, इसलिए आप अपना हाथ उनके ऊपर छू दो, उनके आंख के ऊपर अपना हाथ रखकर अभी इसी घड़ी उन्हें चंगाई दो, अभी इसी घड़ी उन्हें चंगाई दो, अभी इसी घड़ी मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता अभी इसी घड़ी ये चंगे हो जाए। धन्यवाद दीजिए मेरे मान पवित्र पिता और आपका प्रकाश आज इनके अंदर है, आज आपके प्रकाश से प्रभु ये देखेंगे। धन्यवाद दीजिए वही पिता, ये में से कोई भी अंधा नहीं होगा, आपने अंधे की आंखें खोली है तो आपके पास आने वाला कैसे अंधा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, आपके पास आने वाला कोई अंधा नहीं होगा, ये कभी अंधे नहीं होंगे, इनकी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी, इन्हें स्पष्ट दिखेगा। तूने जब उसको पूछा तुझे क्या दिखता है तो उसने कहा मुझे चलते हुए पेड़ दिखते, फिर तूने वापस प्रभु उसके आंखों के ऊपर प्रार्थना की, मिट्टी के ऊपर थूक कर उसके आंखों पर मला, उस समय उसने कहा मुझे स्पष्ट दिखता है। वैसे आज से प्रभु इन सभी को स्पष्ट देखने के लिए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद दे देते, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद दे प्रभु यीशु के नाम से। इन्फेक्शन है, रांजर ओढ़े रहता सतत, एक गिनी तो दूसरी गिनी तो तीसरे, ऐसा जो भी प्रॉब्लम्स आईज प्रॉब्लम आंखों का प्रॉब्लम है समस्या है वही लोग खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने आप के ऊपर प्रभु ये सब बच्चे आपके हैं वो आईज का प्रभु डिजीज है, सारे आई डिजीज को प्रभु मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। इनको आंखों को अंधी करने वाली, इनको आंखों को जलाने वाली, इन्फेक्शन कराने वाली, सब हमेशा पानी निकालने वाली, इनको कम रोशनी देने वाली, कम दिखने के लिए और चश्मा बारंबार लगाने वाली आत्मा को और इनके चश्मे का भी नंबर बढ़ाने वाली आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए उन्हें मांगती हूँ कार्य वो कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और निकल जाने की आज्ञा देते। बार बार आंखों में फोड़ी आना, बार बार रामजन बड़ी आना, इन्हें मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ और इनके आंखों से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। ये सब मसीह में, सब मसीह होने के कारण बीमारी का आईज डिजीज का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं डिक्लेयर करती हूँ आई डिजीज स्प्रिट यीशु के नाम से इन सबके आंखों से निकल जा, इन सबके आंखों से निकल, इनके आंख में तू रह नहीं सकता, इनके आंख में तू बस नहीं सकता, निकल जा यीशु के नाम। ये इन आंखों से प्रभु का वचन देखते हैं, इन आंखों को उन्होंने प्रभु की ओर लगाई है, इसलिए तू इनके आंखों में रह नहीं सकता। प्रभु जितने जनों को चश्मा है, बिना चश्मा के प्रभु लोग देखने के लिए, बिना चश्मा के बाइबल पढ़ने के लिए, ऐसे उनके आंखों को तू कर, मेरा विश्वास है ये तू कर सकता है। धन्यवाद देते प्रभु, इनके बहुत लोगों के आंखों में जो खुजली बारंबार खुजली आती है वो सारी खुजली को मैं प्रभु यीशु के नाम से निकालती हूँ, खुजली की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, उनके आंखों से दूर हटने की आज्ञा देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। पवित्र आत्मा इन सब की आंखों को शुद्ध कर, पवित्र आत्मा इन सब की आंखों को शुद्ध कर। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, आगे तेरे सभी बच्चों को तू आशीष दे। धन्यवाद देते इन सब जो स्तुति में इन सबको तूने चंगाई दिया, यहाँ बैठे जितने लोग हैं जितने बीमार थे मैं यही कहूंगी थे, क्योंकि
स्तुति में ही तूने उनको छुटकारा दिया। जैसे उन्होंने प्रेयर हॉल में कदम रखा उसी घड़ी तूने उनको चंगा किया। तुझ में ही तो हमारी चंगा। धन्यवाद आपका लघु लगा दे और प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हमेशा अच्छा करता है संग करते हम पढ़ेंगे लूका और उसके खतना का समय आया उसने उसका नाम रखा गया यीशु नाम रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए और प्रभु के सामने लाए जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा और कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें। आठवें दिवसीय बालका जो बालका था सुंदर विधि सारा त्यावेळी त्याचे नाव येशू ठेवण्यात आले। हाँ यहाँ हम देखते कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह को कहाँ लाया गया सबसे पहले कहाँ लाया गया मंदिर कहाँ लाया गया कहा अभी अक्सर इस संसार में लोग क्या करते हैं 40 दिन हुआ 30 दिवस उसके बाद बच्चे को बाहर निकालते हैं अंदर मुलाला भाई गलत विधि है ये चुकीची विधि है। बच्चा जब गर्भ में था वो जब गर्भवत होता उस समय परमेश्वर उसे संभाल रहा था तब देव तेरा संभाल रहा था। बाहर जन्म लेने के बाद तो परमेश्वर की बहुत जरूरत है बाहर जन्म घेतल्यानंतर देवाची त्याला फार गरज बहुत जरूरत खूब गरज। जैसे हम यहाँ देखते कि माता मरियम और यूसुफ को जैसे परमेश्वर ने एक बच्चा देने के बाद वो बच्चा तुरंत यूसुफ ने कहा लाया मरियम ने कहा लाया परमेश्वर के मंदिर में जस देवान मूल देव तस मरियम यूसुफ ने लगे मंदिर मध्य और नाम कहाँ रखा गया नाम कुछ मंदिर मंदिर इसलिए अपने मर्जी से हम अपने घर में नाम नहीं रख सकते अपने मर्जी ने अपने घर नाम नहीं सकते। नाम किसने रखा था नाम परमेश्वर ने जो जब वो बच्चा पेट में था तब पेट में आने से पहले जो नाम रखा गया था परमेश्वर की ओर से वही नाम रखा गया ऑर्डर दिया है जो अगर देव ने जो नाम ठेवलं तर तेच नाव ठेवलं जातं। अक्सर बोलता है लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पेट में ये बच्चा आया है माझ्या पोटात मूल आलाय तो मेरे बच्चे का नाम ये होगा तो कितना अच्छा लगेगा माझ्या मुलाचं नाव असं असं तरी ते सांगतात। दुसरा पिताजी भी सोचते मेरा बेटा है माझा मुलगा आहे तो मेरे बेटे का नाम यही होना चाहिए माझ्या मुलाचं नाव असं असं पाहिजे। लेकिन प्रियो बच्चे का नाम रखने का अधिकार परमेश्वर को है मुलाचं नाव ठेवण्याचा अधिकार फक्त देवाला आहे। आपको बच्चा परमेश्वर ने दिया तुम्हाला मूल देवाने दिला तो नाम भी परमेश्वर ही रखेगा नाव ही देवच ठेवेल अनुभवा ये हमेशा याद रखे भी लक्षात ठेवा। आप अपने पसंद से अपनी चॉइस से नाम मत रखो स्वतःच्या पसंतीवर तुम्ही नाव ठेवू नका। आपण लोकांनी अचानक असं करत दिली नावाबद्दल काढलं मुलांबद्दल अभी हम एक बच्चे का समर्पण करने वाले आता अपने एक मुद्दा का समर्पण करना है तो परमेश्वर ने भाई आशीष को नहीं आतिश भाई को आतिश भाई उनकी पत्नी कल्पना को परमेश्वर ने बेटी का दान दिया और त्यांच्या बायकोला देवन मुलीचं दान दिले। अभी आप बैठो मैं थोड़ा वचन बताती हूँ फिर बाद में आप आओ मैं बताती हूँ। तो वो दान उनको दिया है ये दान कहना दिले तो हम उनका समर्पण करने वाले हैं जैसे समर्पण करना है तो समर्पण क्यों समर्पण का क्यों हम समर्पण परमेश्वर को करना बच्चा जन्म होने के बाद तुरंत हम प्रभु के पास क्यों लाना मूल जन्म आधे जन्म लगे सब हम देवाकड़े कहाँ अंदर जब माँ के पेट में बच्चा होता है आई जब उधर जन्म मूल तो उसे संभालता कौन है तेरा सामान उसे पढ़ाता कौन है तेरा बड़ा हो तो कौन पढ़ो उस वचन को सब उपदेश उपदेश अध्याय 11 अध्याय 11 और उसका 5 ऐसा 5 जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता जैसे तू वायु जो हवा चलती है वो कैसी चलती है कभी आपने देखा है ऐसी चलती है क्या ऐसी चलती है नहीं मालूम नहीं लेकिन चलती है हवा चलती है हम क्या बोलते हैं हवा चलती है हवा चलती है असल बोलते ना तो हम यहाँ क्या लिखा किसी को मालूम नहीं वो कैसी चलती है थोड़ा माहिती कैसी चलता है और किस रीति से गर्भवती के किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है हड्डियां वो बच्चा बड़ा होता है वैसे ही तो परमेश्वर का काम नहीं जानता वैसे ही तो परमेश्वर का काम नहीं जानता तो मतलब गर्भ में परमेश्वर काम करता है गर्भ में तो देव काम करता है जन्म होने के बाद भी उस बच्चे को संभालने का काम परमेश्वर का ही होना चाहिए जन्म संभालने का काम कौन देव इसलिए उस बच्चे को परमेश्वर
परमेश्वर को देना जरूरी होता है। त्या मुलाला देवाला देना गरजेचं असतं। समर्पण बच्चे को करना जरूरी होता है। समर्पण मुलाचं करणं गरजेचं असतं। जहां गर्भ जहां कोई भी हाथ नहीं कर सकता है, अंदर डाल नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, लेकिन वैसे ही पृथ्वी पर भी बच्चा बढ़ने की ये जो क्रिया है ये सिर्फ परमेश्वर ही करता है। आणि गर्भात असल्याच्या नंतर कोणी हात टाकून ते मुलं वाढवू नाही शकत, तसंच पृथ्वीवर आल्याच्या नंतर पण कोणीच त्या मुलाला वाढवू नाही शकत, सिर्फ परमेश्वरी वाढवतो, तो देवच वाढवतो। इसीलिए जैसे बच्चा जन्म होने के बाद प्रयोग उसे परमेश्वर के मंदिर में लाना जरूरी है। मुलाचा जन्म झाल्याच्या नंतर त्याला देवाच्या मंदिरात आणणं गरजेचं असे लोक बोलते। अजून ते बहुत अभी संसार में ऐसी प्रथा भी लोग पालन करते, औरत ऋतुगति होने के कारण यानी रक्तस्राव होने के कारण वो लोग बोलते थोड़ा उसको छू मत, उसको पानी मत दो, वो गहन झाली। ये तो एक परमेश्वर ने जन्म होने की विधि ठहराई है। अब देवों ने जन्म होने से एक विधि ठहराई, तो इसलिए परमेश्वर को उसे कोई गंदा बात नहीं लगता। उन देवों ने जैसा कहीं घन वटक गए हनुमान, परमेश्वर को एकदम बोलते ना रक्तस्राव वाली स्त्री ने जब छुआ तो उसने ऐसा बोला, छी घानेडी भाई एवढी तुला पाळी येते ना, तुला रंगवून रक्त जाते ना, तू मला हात लावलास असं कहा नाही का? उसने क्या कहा? बेटी मुली तेरे विश्वास ने तुझे तुझे विश्वासाने तुला बरं केलं। ये हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए, आपली अशी विचार, हमारे पास जो कुछ आता है सबसे पहले प्रभु को दे, आपल्याकडे जे काही आहे ते सर्व पहिले आपण देवाला दे। इसीलिए जब ये बालक जन्म हुआ व्यवहार मसीह की विधि है। तुम्हारे ख्रिस्ता जीवन तुम्हें दाखिल, अगर आप आठवें दिन में उनको चर्च में बुलाओगे, तुम्हें आठवें दिन रविवार के दिन में चर्च में बुलाओगे, रविवार से दूसरी चर्च में बुलवा वहाँ पर आप खाना रखोगे उनके लिए, तिथे तुम्हें त्यांच्या साठी जीवन ठेवा, वो वचन भी सुनेंगे, वचन ही आएंगे, प्रभु को भी जानेंगे, देवालय ही होगा। लेकिन आप सोचो कि भले हम पांचवी के दिन में घर में प्रार्थना करेंगे, आणि पांचवी दिवशी आम्ही आमच्या घरात प्रार्थना करू, अडोशी पडोशियों को खाना देंगे, आणि शेजार पाजारच्या लोकांना जेवण देऊ, उसे उनको क्या लगेगा, अरे बाबा क्रिश्चन पण काय करतात पांचवी दिवशी प्रार्थना करतात, पांचवी पुस्तक मसीह लोक भी पांचवी पुस्तक आहे। म्हणून आपण काय करतो हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, आपण त्या कधी हमेशा ध्यान द्यायला, प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे, हर बात का समय, जन्माची जन्म की मरणाची, अरुण ही प्रत्येक गोष्टीची वेळ आहे, मग ती देवाने ठेवलेली आहे, अरु परमेश्वरने समय रखा, म्हणून देवाने जन्माची वेळ ठेवल्यानंतर सर्वात पहिलं म्हणून देवाच्या मंदिरात येणं गरजेचं आहे। इथे परमेश्वरने जन्म का समय रखा आहे, इथे परमेश्वर सबसे पहिला मंदिर में जाणं जरूरी आहे। 22 मूल जन्मल्यानंतर, हा मूल जन्मल्यानंतर मोशेच्या नियमशास्त्र सांगितल्याप्रमाणे देवाने मोशेच्या द्वारे काही आज्ञा काही व्यवस्था काही विधी दिल्या होत्या, कुछ नियम कुछ आज्ञा परमेश्वरने दिए थे। मंदिरात मरियेच्या शुद्धीकरणाचे अर्पण करण्याची वेळ आली तेव्हा त्याच्या आई वडिलांनी बालकाला देवाला सादर करण्यासाठी येरुशलेमला नेले। हा त्यांनी काय केलं, आपल्या बाळाला येरुशलेम मंदिरामध्ये नेलं, कारण हा नियम देताना देव म्हणाला होता एखाद्या स्त्रीचे मूल प्रथम पुत्र असेल तर तो देवाला समर्पित केला पाहिजे। हा परमेश्वर जो पहिला बच्चा हो या आखिर का बच्चा या दुसरा या तिसरा, जो भी बच्चे परमेश्वर तुम्हें देता है वो तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। समर्पित मतलब क्या, समर्पण यानी आज से ये बच्चा दे रहा है, आज पासून हे मूल तुझा आहे। फिर हम जब समर्पण बच्चे को करते है, आपण जेव्हा समर्पण मुलाचं, परमेश्वर ने कुछ बातें भी बताई है, देवाने काही गोष्टी सांगितल्या। यावेळी येशूच्या आई वडिलांनी देखील आपले शुद्धीकरणाचे अर्पण वाहिले, नियमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे अर्पण दोन होईल तेव्हा पारवेचे दोन पिले असे होते। हा उसने मंदिर में जो विधि बताई थी जो अर्पण करना चाहिए, बच्चे के नामकरण के साथ कुछ परमेश्वर को देना, परमेश्वर को होम बलि मेल बलि चढ़ाना, वो कुछ क्या क्या चढ़ाना चाहिए वो बताया था, उसमें से उन्होंने जो उनको अच्छा लगा वो परमेश्वर के सामने उन्होंने लाया। इसलिए प्रिय हमेशा याद रखना, हम जब परमेश्वर के सामने बच्चों का समर्पण करते है, आप देवाच्या समोर आपल्या मुलांना समर्पित करते, नाम चर्ची रखेगा, नाम चर्चेस ठेवते, आप अपनी मर्जी से नाम रखना है तो जमे रखने का, स्वतःच्या मर्जीने जर तुम्हाला नाव ठेवायचं तर घरात दुसरा समर्पण किया तो आपको उस बच्चे को हर संडे को चर्च में लाना है, दुसरा समर्पण केलं तर तुम्हाला प्रत्येक रविवारी त्या मुलाला चर्च मध्ये फक्त समर्पणासाठी आणलेलं आणि पुढं माझ्यानी जमत नाही ऐसा नाही चलेगा, मैंने सिर्फ समर्पण केले राहता आगे मुझे नहीं जमेगा।
परमेश्वर का होता है ते मूल देवाचा असते फिर उसके ऊपर अथॉरिटी परमेश्वर की अधिकार परमेश्वर का होता है त्याच्यावरती देवाचा अधिकार असतो उसके कान में बच्चे के कान में परमेश्वर का वचन जाना जरूरी मुलाच्या कानामध्ये देवाचं वचन जाणं गरजेचं आहे बीमार भी हो कोई भी हो आपको उस बच्चे को हर संडे को चर्च में लाना है आजारी असो काही असो तुम्हाला प्रत्येक रविवारी त्या मुलाला चर्च मध्ये आणायचं आहे समर्पण ऐसा इसी पे नाम रखना है बोल तक समर्पण नहीं रहता है ये आपके ऊपर दिया हुआ कर्तव्य है ये ड्यूटी माँ बाप की होती है अगर आप इस अध्याय को आगे भी पढ़ोगे तो योसेफ और मरियम जो बच्चा उनके हाथ में दिया था वो जैसे जैसे जो विधियां थी पालन करने के लिए आराधनालय में यीशु को लेके जाया करते थे तो आप भी एक माँ बाप होने के कारण आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे की दी है तुमच्यावरती जबाबदारी मुलांची दी है आपको हर संडे को चर्च में आना है तो मेरा प्रत्येक रविवारी चर्च मध्ये आया आप सोचो कि मला छुट्टी नहीं मुझे छुट्टी नहीं मला काम आहे मुझे काम ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा आपका बच्चा भी वचन कैसा सुने तुमचं मूलभूत वचन कसं आहे आप बड़े लोगों का भी समर्पण हुआ है तुमच्या मोठ्या लोकांचं समर्पण झालं मैं पापी मुझे क्षमा कर मैं पापी मुझे क्षमा कर जिन आपने अपना जीवन जिस दिन ग्रहण किया उस दिन आपने समर्पण किया जै दिवशी तुम्ही देवाला ग्रहण केलं त्या दिवशी तुम्ही देवाला समर्पण केलं हर संडे को चर्च में आना आपका ड्यूटी है तुम्हाला प्रत्येक रविवारी चर्च मध्ये येणं तुमचं कर्तव्य आहे हालेलुया आज उस बच्ची का नाम कृपा रखने वाले आज त्या मुलीचं नाव कृपा ठेवणार कृपा का अर्थ आहे प्रेम और दया मिलकर अनुग्रह हिंदी में उसे अनुग्रह कहते हैं और मराठी में उसे कृपा कहते हैं तो प्रेम और दया प्रेम और दया परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया देवाने आपल्यावरती प्रीति केली और हम पर दया आणि आपल्यावरती दया केली प्लस करके आगे लिखा है कृपा मेरी स्वरूपी कृपा और परमेश्वर की कृपा कब तक रहेगी देवाची कृपा कुठपर्यंत असते अनादिकाल तक अनंत काळापर्यंत जब हम निर्बल होते हैं जब अपन निर्बल तब परमेश्वर की कृपा रहती है तेवा देवाची कृपा होते हैं मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है माझी कृपा तुझ्यासाठी पर्याप्त कुछ बातें हमारे जीवन में दुख और तकलीफ देती है कुछ परिस्थितियां उस समय परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं